दोस्तों आपने कई बार ये सुना होगा कि एजुकेशन में ये ठीक नहीं है, एजुकेशन में वो ठीक नहीं है, पर क्या हमने कभी ये सोचा कि हम कमियां तो निकालते रहते हैं, पर क्या हमने ये भी किया कि फिर ठीक क्या है, क्या हम इस बारे में सोचें या ना सोचें? मैंने जब देखा एजुकेशन का जो सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि हम किस चीज़ को एजुकेशन कहते हैं, ये हमने क्लियर नहीं किया है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमने जो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई है उसको एजुकेशन टैग दे दिया है, और उसके अलावा जो कुछ भी किया जा रहा है उसको या तो अल्टरनेटिव एजुकेशन बोल दिया जाता है या फिर कई बार तो हम उसे अनएजुकेटेड ही बोल देते हैं। पर यहाँ पे देखने की ये बात है कि अगर मान लीजिए एक फ्रूट है जैसे कि सेब, अब अगर हम ये कहें कि सेब ही एक ओनली फल है, उसके अलावा कोई फल ही नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। तो सेब भी एक फल है, उसकी तरह दूसरे फल भी हैं जो फल कहे जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे तरीके से हम अपनी नॉलेज, हम अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, जिसमें से एक तरीका है स्कूल और कॉलेज में जाकर उसको डेवलप करना। पर ये कह देना कि जब तक आप स्कूल और कॉलेज में नहीं गए हो तब तक आपको एजुकेशन नहीं मिला है, ये गलत है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक इतने बड़े इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है therealeducation.com, ताकि हम ये बातों की बात करना शुरू करें कि रियल एजुकेशन है क्या, ना कि ये बात कि स्कूल और कॉलेज एजुकेशन सिस्टम में कमी क्या है। तो अपनी एजुकेशन की परिभाषा को बदलिए, एंड आई एम श्योर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की बात करने लगें कि सही एजुकेशन क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें बदलने लगेंगी। आप कमेंट करके ज़रूर अपनी राय मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपके एजुकेशन के बारे में क्या विचार हैं, और हम उस डिस्कशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे।